नवरस, नाइन इमोशंस, नाइन फिल्म्स, ये वेब सीरीज का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, जो कि रिलीज़ हो चुका है नेटफ्लिक्स में। हाय दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी मोहन। दिस वेब सीरीज इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ नाइन इमोशंस ब्लेंडेड इन नाइन स्टोरीज। द स्टोरी टेलिंग ऑफ ईच एपिसोड इज पावर्ड बाय सम ग्रेट एक्टर्स एंड दे आर पावरफुल एक्टिंग। सो द ड्यूरेशन ऑफ ईच एपिसोड और ईच फिल्म इज 30 to 35 minutes। मैंने अभी तक 6 एपिसोड देखा है एंड आई हैव डिसाइडेड टू रिव्यू एंड एनालाइज वन एपिसोड इन वन वीडियो। तो पहला एपिसोड का नाम है एधिरी करुणा। एधिरी का मतलब होता है एनिमी, करुणा का मतलब होता है कंपैशन। स्टोरी लिखा है द ग्रेट मणिरत्नम ने और डायरेक्ट किया है विजय नाम्बियार। सो द फर्स्ट एपिसोड कवर्स वन ऑफ दिस इमोशंस कॉल्ड कंपैशन। तो ये एपिसोड में मेन कैरेक्टर्स में है विजय सेतुपति, रेवती एंड प्रकाश राज। पहले ही सीन से विजय सेतुपति जैसे रेवती के घर आते हैं और आने के बाद वो उन दोनों में जो एक लुक रहता है, वहाँ पे ऑडियंस को बहुत सारे सवाल उनके मन में आएंगे। क्या विजय सेतुपति रेवती के बेटे हैं, या फिर उनका कोई रिलेटिव है, या फिर कोई स्ट्रेंजर है, अचानक ऐसे घर पे कैसे घुस आए? और वो जाते हैं और दरवाज़ा को बंद कर देते हैं। यहीं पर मैं डायरेक्टर को दाद देना चाहता हूँ, क्योंकि पहले ही सीन से ही मैनेजेस टू गेट द अटेंशन ऑफ ऑडियंस। तो उसके बाद जिस तरीके से स्टोरी डेवलप होता है और काफ़ी सारे शॉकिंग मोमेंट्स आते हैं आपके सामने, धीरे धीरे यू गेट टू नो द स्टोरीज एंड ऑल। पहले ही सीन में विजय सेतुपति और रेवती के बीच आमना सामना होता है और उन दोनों में कुछ भी बात नहीं होता है। इट इज़ ऑल अबाउट एक्सप्रेशंस। एंड सीन में दोनों का फिर से आमना सामना होता है एक टेम्पल में, जहाँ पर दोनों के बीच कुछ कन्वर्सेशन होता है और उस कन्वर्सेशन में बहुत ही सटल वे में एक फैक्ट, एक सीखने को चीज़ बाहर निकल के आती है। वो ये है कि हमारे पास हमेशा दो ऑप्शन रहते हैं टू चूज़, कि हम एक चीज़ करें या नहीं करें। वी ऑलवेज हैव टू ऑप्शंस, बस राइट ऑप्शन को चुनना जरूरी है। तो पहला सीन और लास्ट वाला सीन हो गया, अब मिडिल वाला सीन, द कॉन्वर्सेशन बिटवीन विजय सेतुपति एंड प्रकाश राज। तो वो सीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, क्योंकि वहाँ पर एक ट्विस्ट सामने आता है। वो कॉन्वर्सेशन से भी एक बात उभर के आती है कि कभी कभी हम एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं और जिसके लिए हमें ज़िंदगी भर पछतावा रहता है, गिल्ट रहता है, या फिर काफ़ी दिनों तक गिल्ट रहता है, और हमेशा सोचते हैं कि काश काश वो मोमेंट में मैं अपने आप को रोक लेता, अपना ईगो, अपना एंगर, अपना गुस्सा, अपना एक्साइटमेंट को रोक लेता, तो वो चीज़ नहीं होता। बट द पॉइंट इज़, इट्स नॉट अबाउट दैट मोमेंट where you took the extreme step. This is about those small moments where we react in a certain way, and those reaction actually accumulate to develop as a personality within us. और उसी accumulation का result है कि कभी कभी हम लोग कुछ extreme step ले लेते हैं किसी के against. इसका मतलब ये है कि we should be aware of the fact कि हम लोग कैसे react करते हैं कुछ कुछ situation को, और जैसे हम react करते हैं वो compound effect में हमारा पर्सनालिटी में डेवलप हो जाता है। तो इसीलिए कंपैशन इज़ वन ऑफ दोज क्वालिटीज दैट वी शुड हैव एंड वी शुड बी एक्यूमुलेटिंग इन आवर पर्सनालिटी एंड लीड अ लाइफ विथ पीस। तो ये एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा मैं सेकेंड एपिसोड का रिव्यू लेके। तब तक फिल्मी मोहन साइनिंग ऑफ। टाटा।